हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास टेन इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर फाइव दैट इज द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन बेसिकली जो आपका ये लेसन है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है मतलब ये जो एक स्टोरी है वो आपका लेसन नंबर फाइव और लेसन नंबर सिक्स में भी हमें इसी का सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को क्वेश्चन नंबर वन से इस जो है अगर लेसन को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करनी है फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा हाउ इज वांडा seen as different by the other girls. basically there is a story of mainly three girls तीन लड़कियों का यहाँ पर main character आपको दिखेगा तो top पे तो जो है character वो Wanda का है उसके अलावा एक लड़की अमीर घर से है उसका नाम Peggy है aur दूसरी मैडी है जो कि है तो गरीब घर गर से ही लेकिन वो चमचागिरी करती है पैगी की ठीक है तो इनको लेकर पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से वांडा को लोग टीज करते हैं चढ़ाते हैं और फिर अल्टीमेटली एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वो जीत जाती है ओके okay. तो क्वेश्चन नंबर वन हमसे यही पूछा हुआ है कि जो वांडा है ना वो दूसरी लड़कियों से किस प्रकार से डिफरेंट थी बिकॉज ऑफ हर ऑरिजन एंड ड्रेस ठीक है क्योंकि एक तो लोग उसके नाम से भी उसको चढ़ाते थे क्योंकि ये स्टोरी है अमेरिकन स्टोरी और जबकि ये जो वांडा है वो पॉलिस ओरिजिन से है वो पोलैंड से आई हुई है तो उसके नाम को लेकर भी पब्लिक चढ़ाती है और इसके अलावा जो उसके ड्रेसेज हैं ड्रेस जो पहनकर आती है डेली डेली वो वही ड्रेस पहन कर आती है, है फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस जो कि बिना आयरन के होते हैं इस वजह से जो है वो काफ़ी डिफरेंट दिखती है दूसरी लड़कियों से सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज दी हु वॉज दी मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल उस वाले स्कूल में सबसे मोस्ट पॉपुलर लड़की कौन थी ठीक है ना तो अगर हम बात करें उस स्कूल की सबसे मोस्ट पॉपुलर लड़की कौन थी पैगी जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस वांडा के ड्रेस को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे तो वांडा की ड्रेस ड्रेस जो थी वो कैसी थी फेडेड ब्लू कलर की थी और उस पर आयरन कभी भी हुआ नहीं रहता था लेकिन क्लीन रहता था इस बात की तो अच्छी बात यह है कि आ, जो वांडा है उसके पास because उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो हर रोज नए ड्रेस पहन सके लेकिन क्लीन हमेशा होता था आयरन नहीं हुए रहते थे, थे और फेडेड ब्लू कलर की इस वजह से आपका ए बी सी तीनों करेक्ट होने की वजह से हमारा डी ऑल ऑफ दी अवअ हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडा वॉज वेरी क्वाइट गर्ल हु वांडा जो है बहुत ही शांत लड़की थी जिसने क्या कभी गुस्से में नहीं रही या जिसने कभी कोई ज़्यादा बात नहीं किया जिसने बड़ी मुश्किल से हंसा होगा या फिर गॉसिप वगैरह नहीं करती थी तो, तो जो है हमारे लेसन में उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वांडा वाज वेरी क्वाइट गर्ल हु रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल मतलब इतनी शांत लड़की थी कि वो बड़ी मुश्किल से ही किसी से कुछ कहती थी ठीक है फोर्थ का हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट नेक्स्ट है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट क्लासरूम में वांडा कहाँ पर बैठा करती थी ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो वांडा जो है सबसे लास्ट वाले कॉर्नर में एक एंड कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर जो है रफ एंड नॉइजी जैसे लड़के बैठते थे जो कि पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं थे बट स्टिल वो वहाँ पर, पर इसलिए बैठती थी ताकि स्कूल जो क्लास के और बच्चों की नजर उस पर ना पड़े उसके ड्रेस की वजह से और एक दो और रीजन थे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणा सेट अमंग रफ एंड नॉइजी बॉयज जो वांडा है वो कहाँ बैठती थी रफ और नॉइजी बॉयज के बीच में सबसे लास्ट कॉर्नर पे बिकस क्यों क्योंकि उसके हर फीट वॉर केकड विद द ड्राई मड क्योंकि उसका जो पैर जो होता है ना वो ड्राई मड से पूरा सना हुआ होता है क्योंकि वो रहती है बॉगिन हाइट में जो जो कि एक बहुत ही अच्छी लोकेलेटी नहीं है वहाँ से वो आती है तो उसके पैर में वो ड्राई मड चिपक जाते हैं जिस वजह से ही वो अपना सीधा साधा जाके एंड कॉर्नर में इन लड़कों के साथ बैठ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ मॉडी मैडी डिफरेंट फ्रॉम पैगी जो मैडी है वो पैगी से डिफरेंट क्यों है हालांकि मैडी और जो हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड है लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंट क्या है वो कभी भी वांडा का उसने मजाक नहीं उड़ाया बट स्टिल तो उसने कभी रोका भी नहीं रोक वो इसलिए नहीं पाती थी क्योंकि वो उसका उस पर कई एहसान थे और वो ये भी सोचती थी कि अगर मैंने इसको रोका तो पैगी जो है मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू कर देगी तो मैडी डिफरेंट किस प्रकार थी बिकॉज सी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा वो वांडा का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा जो स्कूल की और लड़कियां हैं ठीक है ना मैडी के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो मजाक नहीं उड़ाती थी पैगी तो उसका उड़ाती थी मजाक लेकिन और लड़कियों का कैसा बिहेवियर था वांडा के प्रति ठीक है ना दे ऑल्सो मेड फन ऑफ हर एंड टीज्ड हर आफ्टर स्कूल आर्स वो भी उनका मजाक उड़ाती थी और स्कूल जैसे ही ख़त्म होता था तो उनको उसको वो टीज करने के लिए सब लोग लग जाते थे ठीक है तो एट का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट नेक्स्ट है पैगी एंड मैडी गॉट लेट लेट टू द स्कूल बिकॉज और मैडी जो है ना स्कूल के लिए लेट हो जाते थे उसके पीछे का क्या रीजन था ठीक है ना बिकॉज दे हैड वेटिंग फॉर वांडा क्योंकि वो वांडा का इंतजार करती थी रास्ते में इस वजह से वो दोनों हमेशा लेट पहुंचती थी और लेट पहुंचने पर भी उन्हें दुख नहीं होता था क्यों क्योंकि वो रुकती थी ताकि वो जो है उसका मजाक उड़ा सके ठीक है तो नाइन्थ का तो हमारा ए ऑप्शन हो गया करेक्ट नेक्स्ट है वेयर डिड पैगी एंड मैडी यूज़ टू वेट फॉर वांडा जो पैगी और मैडी कहाँ पर वांडा का इंतजार किया करते थे ठीक है ना तो वॉगिन साइड और ओलिवर स्ट्रीट इसमें में आप कंफ्यूज हो सकते हैं जो वांडा का घर है कहाँ पे रहती है वो वॉगिन हाइट में लेकिन ये दोनों वेट कहाँ करते थे बीच में पड़ता था ओलिवर स्ट्रीट वहीं पर वो उसका इंतजार किया करते थे तो टेंथ का हो गया डी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट है पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वांडा टू फिलन द ब्लैंक्स ऑन दी बे टू स्कूल जो पैगी और मैडी वान्टा का इंतज़ार क्यों करते थे उसके साथ खेलने के लिए क्लास की कॉपी देने के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए तो डेफिनेटली क्या उसका मजाक उड़ाने के लिए ही वो रास्ते में उसका इंतजार किया करते थे नेक्स्ट है पैगी एंड मैडी सेट इन फ्रंट सीट्स विद चिल्ड्रेन हो पैगी और मैडी जो है फ्रंट सीट पर बैठते थे किन बच्चों के साथ जो कि दूसरे स्टूडेंट का मजाक उड़ा सके जो जो कि अच्छे मार्क्स लाते हो या जो कि पैगी के ऑर्डर को मानते हो या फिर जो, जो गंदे मार्क्स लाते हो तो पैगी और मैडी स्कूल में लेट आने के बावजूद जो है फ्रंट सीट पे बैठते थे उन बच्चों के साथ जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे ठीक है तो ट्वेल्थ का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है मैडी यूज टू वियर ओल्ड क्लोथ मैडी जो है वो पैगी की फ्रेंड है ठीक है ना बेस्ट फ्रेंड है बट वो पुराने कपड़े पहनती है क्योंकि बिकज सी ओज पुअर वो भी गरीब थी ठीक है इवन जो मैडी uh, की मदर है वो पैगी के घर पे काम करती है और वो जो कपड़े होते हैं ना वो पैगी के ही पुराने कपड़े होते हैं जिस पर मैडी की मदर कुछ चेंज कर देती है कुछ एम्ब्रॉयडर डिज़ाइन बनाकर ताकि जो है uh, जो है क्लास के बच्चे पहचान ना लें कि ये तो वही ड्रेस है बट वो पहनती थी वही पुराने कपड़े मैडी ठीक है बिकज़ सी ओज पुअर तो इसी वजह से वो उसका दर्द भी समझ पाती थी वांडा का नेक्स्ट है हु सीक्रेटली डिसाइकड हाउ वांडा वॉज बींग ट्रीटेड मतलब कि सीक्रेटली रूप से बहुत ही मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वांडा को इस तरीके से लोग ट्रीट करें लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी ठीक है ना रीज़न आप सभी को पता है कि वो क्यों नहीं बोल पाती थी क्योंकि उसको उसके ऊपर कई एहसान थे और अगर उसने वो, उसके खिलाफ बोला उन लड़कियों के खिलाफ तो क्या करेंगे वो उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे तो सीक्रेटली कौन डिसलाइक करता था तो वो कौन थी मैडी ठीक है तो फोर्टीन का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है वाई डज मैडी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनी थिंग जो मैडी uh, uh, है uh, uh, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मैडी जो है खड़ी रहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी मतलब मैडी चाहती तो थी कि मैं कुछ बोलूं इसे जो लोग इसको चढ़ाते हैं वांडा को बट स्टिल वो कुछ नहीं बोल पाती थी बिकॉज सी डज नॉट हैव करेज क्योंकि उसके पास इतना साहस ही नहीं था कि वो उन लोगों के अगेंस्ट बोल सके नेक्स्ट है वॉट टेल्स यू दैट पैगी वॉज नॉट क्रूल आपको लेसन के में क्या स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि पैगी जैसी भी है चाहे जितना मजाक उड़ाती लेकिन वो निर्दयी लड़की नहीं थी ठीक है ना क्योंकि आपको जो है लेसन में देखने को मिलेगा कि उसने स्मॉल चिल्ड्रन को बुलिस से प्रोटेक्ट किया था और उसके अलावा जो लोग एनिमल से मिसट्रीट करते थे तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसने वांडा को कभी भी रोने नहीं दिया ठीक है तो ये तीनों ही तीनों जो है ती, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं पेगी के अंदर जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो वास्तव में क्रूल नहीं थी ठीक तो है तो सिक्सटीन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज वांडा से दैट सी हैज अ हंड्रेड ड्रेसेस वांडा ये क्यों कहती थी कि उसके पास सौ ड्रेसेस हैं ठीक है थेके? क्या उसके पास सच में थे या फिर वो दूसरी लड़कियों को जवाब देने के चक्कर में ये बोल देती थी या उसे डींग मारना शेखी बघारना पसंद था या फिर इनमें से कोई नहीं तो डेफिनेटली उससे जब लोग कमेंट करते थे तो वो उनको काउंटर अटैक करने के लिए जस्ट वो मतलब कि क्या बोल सकते हैं मतलब जवाब देने की वजह से वो बोल देती थी कि हाँ उसके पास हंड्रेड ड्रेसेज हैं तो सेवनटीन का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हाउ मेनी शूज़ डिड वांडा से सी हार और इसके अलावा वांडा ये भी कहती थी कि मेरे पास कितने जूते हैं ठीक है ना तो वो कितना कहती थी कि सिक्सटी तो मेरे पास शूज़ हैं और जो है मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेज हैं जो कि मेरे अलमारी में रखे हुए हैं ठीक है थेके? तो ये सेवनटीन एटीन हो गया हमारा नेक्स्ट है हु वॉज विनर ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अमंग गर्ल्स अब स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं तो लड़कियों में ड्राइंग कॉन्टेस्ट की जो विनर है वो कौन बनती है तो लड़कियों में ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट की जो विनर बनती है वो बनती है वांडा ठीक है तो नाइनटीन का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है हाउ मेनी ड्राॅइंग्स डिड वांडा ड्रॉ कितने ड्राइंग जो है वांडा बनाती है तो वांडा जो है ना टोटल हंड्रेड ड्राॅइंग बना देती है विद हंड्रेड ड्रेसेस ठीक है नेक्स्ट है वांडा का पूरा नाम जो था वो था वांडा पेट्रोन्सकी ठीक है ऑप्शन देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसका नाम था वांडा पेट्रोन्सकी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्लास द गर्ल हु वुड बिन कॉन्टेस्ट वॉज क्लास के अकॉर्डिंग कौन सी वो लड़की थी जिस जिसको जो मतलब क्लास को क्या लग रहा था कि कौन सी लड़की जो है ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी तो पूरी क्लास और इवन मैडी वो भी यही सोच रही थी कि ये जो ड्राॅइंग uh, कॉन्टेस्ट हुआ है वो कौन जीतेगी पैगी जीतेगी पर जीती तो को कौन वांडा वॉट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्रॉइंग मिस मैसन जो कि उसकी टीचर है वो वांडा के ड्राॅइंग के बारे में क्या सोचती है क्या वो उसको बोलती हैं ठीक है ना क्लास में आकर स्पेशली वो बोलती है कि वांडास ड्राइंग वॉज एक्सक्यूजिट ठीक है ना एक्सक्यूजिट था वो काफ़ी अति सुंदर था अति सुंदर को बोला जाता है एक्सक्यूजिट ओके okay? तो वो ये टर्म देती है वाणास के ड्राइंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर्स रेफर्स टू वांडास डिजाइन एंड एज एक्सक्यूजिट बिकॉज टीचर्स जो है वांडा के डिज़ाइन को एक्सक्यूजिट बहुत ही सुंदर क्यों बोलती है ठीक है ना बिकॉज ईच वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि सारे के सारे ड्रेसेस बहुत सुंदर थे इस वजह से वो ये स्टेटमेंट देती है ठीक है ना और ऑप्शन के साथ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हाँ सारे के सारे हंड्रेड ड्रेसेस डिफरेंट थे या फिर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग थे या फिर थीम उसमें फॉलो हो रहा था नहीं सारे के सारे ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल थे इस वजह से ये टर्म दिया गया था तो ठीक है ट्वेंटी का बी और अब इस वाले लेसन का आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कर लो बहुत है क्योंकि सेकंड पार्ट में भी हम इसी स्टोरी को कैरी ऑन करेंगे ठीक है ना हु वॉन्ट दी ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट फॉर बॉइज़ एट स्कूल अब स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ था तो लड़कियों का अलग हुआ था लड़कों का अलग हुआ था तो लड़कों में ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था तो लड़कों में जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था उसका नाम जेक था ठीक है तो ये थे आपके 25 फाइव क्वेश्चन होपफुली आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके अलावा कोई भी लेसन आज जो है आपने नहीं देखा है तो आप प्ले में विज़िट करें वहाँ पर जो है आपको क्लास टेन इंग्लिश सुपर एम सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं